नमस्कार दोस्त। किसी भी करदाता को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अपनी रिटर्न के प्रोसेस होने का और विशेष रूप से यदि उस करदाता ने रिफंड क्लेम किया हो तो रिफंड के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब बहुत सारे करदाताओं को पिछले कुछ समय में, क्योंकि जुलाई 2023 तक लोगों ने अपनी ITR भरी है, असेसमेंट ईयर 23-24 की, CPC से ऐसे मेल्स भी आए जिसमें CPC उनसे पूछ रही है कि आर यू श्योर जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं वो सही है। तो दोस्तों, किसी भी करदाता को यदि ऐसी रिफंड कंफर्मेशन की एक मेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के CPC सेल से आई हो, उन्हें उस पर क्या एक्शन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस विषय पर क्लैरिटी लेकर के मैं आपके समक्ष इस छोटे से वीडियो के थ्रू हाजिर हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके समक्ष इस मेल का जो फॉर्मेट है वो रखता हूं कि ये मेल CPC ने कैसे डिजाइन करी। मेल का मतलब क्या है कि आपके ईमेल आईडी पर ये पर्टिकुलर मेल गई होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC की ओर से, उस परिस्थिति में जहां आपने रिफंड क्लेम किया है और CPC को लगता है कि आपका रिफंड उनके हिसाब से आपने ज्यादा क्लेम किया है या वो रिफंड सही नहीं है। तो देखिए, CPC दोस्तों क्या लिख रही है इस पर्टिकुलर मेल में। जरूरी नहीं है सभी रिफंड क्लेम करने वालों को ऐसा मेल आया हो, पर बहुत सारे करदाताओं को ऐसा मेल आया है। डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पैन, यहां आपका पैन या एक्नॉलेजमेंट नंबर, फॉर असेसमेंट ईयर 23, दैट इज 23-24, फाइल्ड बाय यू ऑन सच एंड सच डेट। योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने आपकी रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया है कि उनको लगता है कि आपका जो रिफंड है वो प्राइमा फेसाई सही नहीं है। एंड ईमेल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड वॉज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑन 5th of September, यानी पहले भी एक पर्टिकुलर मेल इस संदर्भ में अगर भेजी हो तो उसका रेफरेंस आ सकता है। दिस रिमाइंडर इज इंटेंडेड टू अलर्ट यू ऑन एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम और ऑमिशन इन द अबव मेंशन रिटर्न ऑफ इनकम के। CPC बड़ा क्लियर बोल रही है कि ये जो अलर्ट है, ये जो ईमेल है, इसका पर्पस आपको सावचेत करना है कि अगर आपकी रिटर्न में कोई इनकरेक्ट क्लेम हुए हो या आपसे कोई भूल हुई हो तो आप उसको एक बार देख लें। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड अंडर द सर्विस मेन्यू इन ई फाइलिंग पोर्टल पोस्ट लॉगिन। तो आप आपके लॉगिन में जाकर के आपके AIS से भी आपकी इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा CPC कह रही। और CPC ने यहां ये भी कहा है कि प्लीज चेक बिफोर सबमिटिंग रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन टू एंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ योर इनकम। अगर आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए कोई मेल नहीं लिखनी है, इस मेल का जवाब नहीं देना। आपको क्या करना है, टू सबमिट द रिस्पॉन्स प्लीज लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल, पेंडिंग एक्शन में जाए, वर्क लिस्ट में जाए और वहां रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। ये प्रोसेस मैं आपको आगे पोर्टल पर कैसे दिखती है वहां पर भी दिखाऊंगा। तो आपको ये बात समझनी है कि इस मेल का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ CPC ने आपकी रिटर्न को एक बार के लिए आइडेंटिफाई किया है, उन्हें लगता है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो सही नहीं है, आपसे अपनी रिटर्न में कोई इनकरेक्ट क्लेम या ऑमिशंस हो सकता है, हुए हो, आप एक बार पुनः देख लें। और यदि आपको लगता है तो आप मेल का रिस्पॉन्स मेल के रिप्लाई के रूप में ना करें, ई पोर्टल में जाए, ई फाइलिंग पोर्टल में, और वहां पर आपको रिस्पॉन्स फर्दर फाइल करना होगा। वो कैसे फाइल करना है वो मैं अभी आगे चर्चा करता हूं। अभी ये मेल खत्म नहीं हुई दोस्तों, इसी में आगे लिखा है, प्लीज वेरीफाई द क्लेम्स मेड इन योर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ फर्स्ट ईमेल। इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट क्लेम और ऑमिशन प्लीज रिवाइज योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो CPC यहां एक सॉल्यूशन भी दे रही है कि आपको लगता है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। काइंडली इग्नोर इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रिस्पॉन्स। और आगे CPC ने यहां पर अपना पूरा पर्टिकुलर जो रेफरेंस देना था वो दे करके इस मेल को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें रिस्पॉन्स क्या फाइल करना है, कैसे फाइल करना है। दोस्तों, आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं कि मान लीजिए वो मेल आई, आप सजग हुए, कह रहे मेरे केस में भी एक मेल आया है। तो आपने अपना इनकम टैक्स लॉगिन खोला, इनकम टैक्स लॉगिन खोलने के बाद आपको पेंडिंग एक्शंस पर क्लिक करना है।
वहां जब आप जाएंगे तो आपको वर्कलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वर्कलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां आप फॉर योर एक्शन में देख सकते हैं कि ओके रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन आपकी ओर से पेंडिंग है। यहां आपको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, आपको कब उन्होंने सपोज 6 सितंबर 2023 को मेल भेजी और आपसे सबमिट रिस्पॉन्स फॉर रिफंड वो मांग रहे हैं। यहां आपको सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट रिस्पॉन्स के ऑप्शन पर क्लिक करना। अब आपको ये जो नेक्स्ट विंडो खुली है रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन, यहां आपका पैन, आपकी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट, आपने जो रिफंड क्लेम किया वो, और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 23-24 दिख रहा है। दो बात पर आपको बड़ा ध्यान देना है जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेज। वन, द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। सीपीसी आपसे पूछ रही है आर यू श्योर कि आपके रिफंड के क्लेम बिल्कुल सही है, आप टिक कर दीजिए। या I will revise my return of income to correct the amount of refund claim. या आप कहेंगे कि नहीं साहब मैं रिवाइज करने के लिए तैयार हूं, आपने अपनी रिटर्न खंगाला, आपको लगा हाँ साहब कोई डायरेक्शन गलत क्लेम हो गया, तो आपने यहां केवल एक कंफर्मेशन देना है कि हाँ साहब मैं अपनी रिटर्न रिवाइज करने जा रहा हूं, आई विल रिवाइज। जरूरी नहीं है कि आपने ऑलरेडी रिवाइज कर दी हो, आप रिवाइज आने वाले समय में कर रहे हैं ऐसा आप घोषणा कर रहे हैं। तो ये करने के बाद इन दोनों में से एक ऑप्शन को टिक करना है, और टिक करने के बाद में आपको दोस्तों सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे तो आपकी एक एक्नॉलेजमेंट वहां पर जनरेट होगी। फाइनली जैसे ही आप रिस्पॉन्स सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, यानी आपने जो रिस्पॉन्स सीपीसी को सबमिट किया है वो फाइनली उन्होंने एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लिया, आपकी ओर से रिस्पॉन्स फाइल हो गया। तो यहां पर ये कहानी आकर के प्राइमा फेसाई क्लोज होती है। आप कहेंगे अनुप जी प्राइमा फेसाई क्लोज होती है जैसी वर्डिंग क्यों यूज कर रहे हैं, इसका उत्तर मैं आगे देता हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो इस वीडियो में मुझे करनी है आपके साथ में कि करना क्या है, इस तरीके की मेल आए तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, व्हाट टू बी डन। क्या हमें अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है? कुछ लोगों ने बोला अनुप जी क्या मैं आईटीआर यू फाइल कर दूं, तो और अगर मैं अपनी रिटर्न रिवाइज कर देता हूं तो क्या मेरे को पेनल्टी या इंटरेस्ट की भी कोई लायबिलिटी आएगी क्या? तो अगर अपन इस क्वेश्चन को ऐसा समझे दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं यहां पर असेसमेंट ईयर 23-24 की, जिसके लिए आपकी रिटर्न फाइलिंग की बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2023, और आप अपनी रिटर्न को चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक, यानी आपके पास अभी रिटर्न रिवाइज करने की समय सीमा मौजूद है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो 31 दिसंबर 2023 तक आप चाहें तो अपनी रिटर्न को इजीली रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे कुछ डिडक्शन गलत क्लेम हो गए, ज्यादा क्लेम हो गए, अगर ऐसा है तो भी आपको किसी प्रकार की पेनल्टी का कोई डर नहीं है। हाँ इंटरेस्ट लग सकता है, क्योंकि अगर आप किसी डिडक्शन को हटाते हैं अपनी रिटर्न में रिवाइज करते समय तो उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, तो दोस्तों 234 ए या बी अथवा सी का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, यानी पेनल्टी कॉन्सिक्वेंस तो नहीं आएगा। अब किसी ने बोला कि अनुप जी मान लीजिए मेरा तो ऐसा कोई केस नहीं है, मेरे डिडक्शन बिल्कुल वैलिड है क्योंकि फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने डिडक्शन कम लिए जबकि मेरे लेजिटिमेट डिडक्शन थे, तो क्या फिर मैं कंफर्म कर दूं कि मेरी रिटर्न सही है? बिल्कुल सर आप बिंदास होकर कंफर्म कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचना किसको है जिसने ओरिजिनल रिटर्न भरते समय गलत डिडक्शन क्लेम किया? जिसने गलत डिडक्शन क्लेम नहीं किया उस व्यक्ति के लिए कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिंपली बोलना है कि हाँ साहब मेरे रिफंड का क्लेम बिल्कुल सही है। और जिनके पास में डिडक्शन चाहे जानबूझकर अथवा गलती से गलत क्लेम हुए हैं उनके लिए सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन तो क्लेम करें रिस्पॉन्स में, और 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हैं। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिस्पॉन्स। एक और बात, किसी ने मेरे को बोला कि अनुप जी मान लीजिए मैंने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया कि हाँ साहब मेरा रिफंड क्लेम सही है, तो फिर सीपीसी बेंगलुरु कितना टाइम लेगी मेरे रिफंड को प्रोसेस करने में? इसका कोई समय सीमा मैं आपको यहां नहीं दे सकता सर। मैं मानता हूं कि जब आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ साहब मेरा रिफंड क्लेम मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो सीपीसी को जल्दी से जल्दी आपका रिफंड इशू कर देना चाहिए। तो आई डोंट सी कि सीपीसी अब भी आपकी रिटर्न को प्रोसेस करने से बचे। Now they are supposed to process the return. अब लास्ट में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ये चर्चा करूंगा कि इस तरीके की जो मेल्स हैं
इससे हमें डरना है या नहीं डरना है? मेरा कहना है सर कि अगर हमारे डिडक्शंस लेजिटिमेट हैं तो कतई डरने की जरूरत नहीं है, और अगर हमारे को लगता है कि नहीं साहब डिडक्शन तो गलत क्लेम हुई, और आप देखिए पिछले कुछ समय में एटीजीडीसी के डिडक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे बहुत सारे इनकम टैक्स के नोटिसेज आए जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्जी डिडक्शन क्लेम मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन करदाताओं को अगर किसी ने फर्जी डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं, और जिनके डिडक्शन बिल्कुल सही है लेजिटिमेट है वहां कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि अनुप जी मान लीजिए ऐसा कोई मैटर आया, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया कि साहब मेरा रिफंड का मैटर सही है, तो क्या फिर मेरे ऊपर असेसमेंट खुल सकता है? देखिए दोस्तों, असेसमेंट खोलना नहीं खोलना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनके अपने क्राइटेरियाज हैं जिस पर वो असेसमेंट भविष्य में किसी भी करदाता के विरुद्ध खोल सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने रिस्पॉन्स कर दिया कि हाँ साहब मेरे डिडक्शन बिल्कुल सही है तो इसका मतलब आपका असेसमेंट खुल जाएगा, वो आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्क्रूटनी क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा। ये बात जरूर है कि ये एक मौका है, आप अपने डिडक्शंस को वेरीफाई कर लें, और अगर आपके डिडक्शंस वैलिड हैं तो आप रिफंड एज सच क्लेम करें, और अगर उन डिडक्शंस में कहीं कोई ऊंच नीच है तो आप रिवाइज रिटर्न भरने के मौके से ना चूके, दैट विल बी बेनिफिशियल। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड माई डियर फ्रेंड्स फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। जय।